खेल गुजरात राज्य समर कैंप 2022 का आयोजन हुआ है, जिसके तहत पूरे गुजरात भर में से खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। दरअसल खेल कूद को प्रोत्साहन देने के आशय के साथ वडोदरा समेत पूरे गुजरात में से आने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल गुजरात राज्य समर कैंप 2022 का आयोजन वडोदरा में करवाया गया है, जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाई गई है। मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर शूटिंग, समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर स्विमिंग और वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर बैडमिंटन की प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। जिला खेलकूद विकास अधिकारी की कचहरी और SAG की मार्गदर्शिका के मुताबिक सभी सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया करवाई जा रही है, और जो जानकारी है उसके मुताबिक इन खेलों में 264 जितने खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा दर्शा रहे हैं। मारु नाम अनेरी कोटक छे अने हूँ आणंद थी आवी छूं। अहीं स्टेट कैम्प चाली रह्यो छे अने बहुत सरस प्रेक्टिस थाय छे अहीं, अने हूँ 3 वर्ष थी स्टेट कैम्प में छू अने धीरे धीरे बहु इम्प्रूव कर रही है। अने यानी फेसिलिटीज ने हॉस्टेल में खावानू ने बधु सरस ज मळे छे। राज्य सरकार श्रीना दर वर्षना प्रयत्नों ने आधारे चालू वर्षे पण समर कोचिंग कैम्प 2022 नू आयोजन करायेल छे। राज्य कक्षाना स्पोर्ट्स समर कैम्प में वडोदरा खाते 3 रमतों शूटिंग जे मांजलपुर खाते थई रही है, बेडमिंटन जे अत्यारे DSCC ना वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाते थई रही है, तेमज जे स्विमिंग है ये समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाते चालू है, जेमा लगभग दरेक छोकराओए अमने बधी सुविधाओ मळी रही है। એમના કોચિંગનું ધ્યાન આપી રહ્યું છે, કોચિસનું ઇવેલ્યુએશનના આધારે એમને અલગ અલગ ટ્રેનિંગમાં વેચાઈ ગ્રુપ કરીને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત એમના રહેવાની અને જમવાની તેમજ ટ્રેનિંગ દરમિયાનના પણ એક્સ્ટ્રા ડાયટનું ધ્યાન ઝીણવટપૂર્વક રાખવામાં આવ્યું છે। સરકારશ્રીના વખતો વખત વડી કચેરી ખાતેથી અમને જે સૂચનો મળે છે એનું અમે પાલન કરી રહ્યા છીએ, અને આ જેના કારણે બાળકોનો પણ અમને ઘણા સારા હકારાત્મક રિસ્પોન્સ મળી રહ્યા છે। દરેકને ગરમીના ધ્યાનમાં રાખતા અલગ અલગ સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરી છે। બાળકોના માટે ફિઝિયો છે, ન્યુટ્રિશનિસ્ટ છે, માઇન્ડ ટ્રેનર છે, યોગા છે, એવી અલગ અલગ સ્પોર્ટ્સ સાયન્સના ભાગને પણ ધ્યાનમાં રાખી કોચિંગની તાલીમ અપાઈ